आज बनाने जा रही हूँ मैं अपनी फेवरेट रेसिपी आलू के पराठे। दोस्तों आपके एक भी पराठा फटेगा नहीं, सारे पराठे फूले फूले बनेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी शोभा रावत और आपका मेरे चैनल खुशमिजाज जिंदगी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कई बार हमारे पराठे फूले फूले नहीं बन पाते हैं। एक तो जो हमारी स्टफिंग होती है वो सही तरीके से नहीं होती है, और जो हम पराठे का डो तैयार करते हैं वो सही से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। चलो फिर, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। सबसे पहले हम पराठे का आटा लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर पराठे के लिए 2.5 कप आटा ले रही हूँ। इसमें 4 जनों के पराठे आराम से बन जाएंगे। पराठे का आटा लगाने का भी थोड़ा अलग तरीका होता है, जिससे हमारे पराठे क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल लेती हूँ। घी डालने से हमारे पराठे क्रिस्पी बनते हैं। क्रिस्पी पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके साथ साथ डाली हूँ मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन का थोड़ा से हाथ पे क्रश कर लेना है, ताकि पूरे आटे में इसका फ्लेवर आ जाए। और 1/4 डाली हूँ यहाँ पर नमक। नमक डालने से हमारे पराठे में अंदर बाहर दोनों साइड नमकीन सा फ्लेवर आता है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तभी हम पानी डालेंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पे आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एकदम से पानी नहीं डालना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा आटा गीला हो सकता है। यहाँ पे मैं पराठे का आटा थोड़ा कम गूंदूंगी। जैसे रोटी के लिए हम ज़्यादा गूंदते हैं, तो पराठे के लिए थोड़ा सा कम गूंदूंगी। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक बार इसे ऐसी मसल करके इसका डो तैयार कर लेती हूँ। हमारे पराठे का डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आटे को 5 मिनट सेट होने के लिए रख देती हूँ। जब तक हमारा आटा सेट होता है, तब तक हम पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 बॉयल्ड आलू लिए हैं। अब जल्दी जल्दी से आलू को छील लेते हैं। सारे आलू छिलके तैयार हो गए हैं। अब आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कद्दूकस करने के लिए थोड़ा सा मोटा साइड लिया है। जब भी आलू को कद्दूकस करें तो केयरफुली करें। सारे आलू कद्दूकस करके तैयार हो गए हैं। अब इनमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कटी हरी मिर्च डाली हूँ, 1/2 कटा हुआ फाइन चॉप प्याज, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 1/4 कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च, 1/4 डालू यहाँ पे भुना हुआ जीरा, और डाल लेती हूँ स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों आप यहाँ पे कसूरी मेथी या यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अगर आपका जो मसाला है वो थोड़ा सा स्टकी हो रहा है, थोड़ा सा आपको गीला सा लग रहा है, तो आप इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं। हमारे पराठे की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। चलो फिर अब आटे की तरफ चलते हैं। हमारे आटे को भी 5 मिनट हो गया है, तो हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और मसल लेते हैं। मसलने से हमारा जो आटा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पराठे बेलने के लिए थोड़ा सा कोरा आटा ले लेते हैं। अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे अपने हिसाब से आटा ले सकते हैं। अगर आपको मोटे पराठे चाहिए तो आप ज़्यादा आटा ले सकते हैं, और अगर पतला चाहिए तो उस हिसाब से आटा ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे ना मोटे चाहिए ना ही पतले चाहिए, मैं मीडियम साइज़ के पराठे बनाऊँगी। अब क्या करना है, जो हमने लोई ली है ना, उसे साइड साइड से हथेली की सपोर्ट से दबा लेना है। इससे हमारे पराठे, एक तो जो स्टफिंग होती है वो परफेक्ट होगी, और पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने आटे को एक कटोरे का शेप दे दिया है। अब इसमें जो हमारे आलू की स्टफिंग है ना, उसे भर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग चाहिए तो आप ज़्यादा भरें, और कम चाहिए तो उस हिसाब से आप स्टफिंग कर सकते हैं।
अब इसे मैं साइड साइड से अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। इसे बंद करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इससे क्या होता है, एक तो जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलती है और हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब जो ये बचा हुआ आटा है ना, वो उसी के अंदर फोल्ड कर दूंगी, इसे अलग नहीं निकालना है। परफेक्ट लोई बनके हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें एक तो क्या होता है, जो हम एक्स्ट्रा आटा लगाते हैं, कोरा आटा लगाते हैं, उससे हम बच जाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा आटा नहीं लगता है। इससे हमारे पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। पराठों में जितना कम आटा लगे उतना ज़्यादा बेटर है। अब जल्दी जल्दी से सारे पराठों की स्टफिंग कर लेती हूँ। पराठों को सीखने के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप रिफाइंड या डालडा भी ले सकते हैं। लोई पे मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है। अब थोड़ा सा इसे प्रेस करके अब बेलना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेलते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब हम बेलना स्टार्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, फ्री हाथों से हमें पराठे को बेलना है। इससे हमारी जो स्टफिंग है ना, वो बाहर नहीं निकलेगी। अब इसे थोड़ा से हाथों से जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेती हूँ। तवा हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें पराठा डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम पराठे को एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे, तभी पराठा दूसरी साइड पलटेंगे। जब दोनों साइड से पराठा अच्छे से पक जाए, तभी हमें पराठे पे घी या तेल जो भी है वो लगाना है। इससे हमारे पराठे कच्चे नहीं रहते हैं, अंदर तक पक जाते हैं। अब मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे स्पैचुला की मदद से या घी तेल लगाने वाला एक ब्रश आता है, उससे भी लगा सकते हैं। पराठे बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है, हमें गैस हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, हमें गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे रखना है, नहीं तो घी लगाते लगाते ही हमारे पराठे जलने लग जाएंगे। तो गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे ही रखें। अब यहाँ पे हमारा जो पराठा है वो फूलने लग गया है। पराठे फूलने का यही रीज़न है, एक तो हमारे जो स्टफिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है, और जो हमने पराठे का डो तैयार करा था, आटा तैयार करा था, वो बिल्कुल परफेक्ट करा था, इसीलिए हमारे पराठे जो है ना, वो फूले फूले बनते हैं। पराठा बनके तैयार हो चुका है तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो मैं पहले एक बार सारे पराठे बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर सर्व करूँगी। बहुत ही गजब का लग रहा है ना पराठा। चलो फिर जो बाकी के बचे हुए पराठे हैं उन्हें भी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। सारे पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देखना, मेरे सारे पराठे फूले फूले बनेंगे। आप एक बार मेरा तरीका आजमा के देखना, आपके सारे पराठे गजब के बनेंगे, बहुत ही लजीज बनेंगे। सारे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस पर। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पराठा दही के साथ सर्व करा है। आप चाहे तो अचार के साथ, चटनी के साथ, या तो दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही गजब के लगेंगे। एक पराठा मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट बने हुए हैं और जो स्टफिंग है वो कितनी अच्छी हुई है। तो कैसी लगी आपको आलू के पराठे की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।